हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। नहीं है तो भैया भगवान का नाम ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:39 और हम लोग जा रहे हैं व्रूम व्रूम गाड़ी में घूमने। एक प्लेस पे जा रहे हैं जो मतलब इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ का ज़्यादा इलाका पसंद नहीं है। तो हम लोग वहाँ चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं गाड़ी में और हम लोग अब जा रहे हैं एक ऐसी प्लेस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत शांत भी है। ये क्या हो रहा है? अरे यार, अबे मोड़ लें इसे। लो भैया, ट्रैफिक में फंस गए हैं बिल्लू। अरे यार, सुबह 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 इतना ट्रैफिक। अब आ गए हैं हम लोग अपने घर। मम्मी आज बना रही है डोसा और मम्मी ने मंगाया है कड़ी पत्ता। लेकिन कड़ी पत्ता का पेड़ है कहाँ? यहाँ ये रहा, ये है भैया कड़ी पत्ता का पेड़। तो मम्मी ने मंगाए हैं 8, तो 8 तोड़ लेते हैं इसमें से। तो ये ले लिए हैं हम लोग ने कड़ी पत्ता, अब चलते हैं मम्मी को देने। तो आज मम्मी बना रही है डोसा और मैं भी बाथरूम में नहा रहा था तो बाहर बहुत आवाज़ें आ रही थी कि पापा की, अरे वाह क्या डोसा बनाया, अरे वाह क्या डोसा बनाया। तो भैया पति ने अपनी पत्नी की तारीफ तो कर दी, अब देखते हैं कि कितना अच्छा डोसा बनाया। मैं तो भैया बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक जो चीज़ है डोसा वो मुझसे आज तक परफेक्टली बना नहीं। इतने टाइम से मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उतना अच्छा बना नहीं पाता हूँ डोसा। मम्मी फर्स्ट टाइम बना रही है तो देखते हैं भैया कितना अच्छा बनाती है। मम्मी जल्दी लाओ। ले मम्मी, अभी बैठो, यहीं बैठो वहाँ बैठो। बोलो, देख दिव्यम को भी तो दो डोसा। एक मिनट भैया बना ले पहले। दिव्यम को भी ला। ये तुमने बनाया? तो किसी और ने बनाया, अभी उड़ के आया है भाई। ये देखिए, मतलब इस तरह का टेक्सचर तो मैं आज तक नहीं बना पाया। अब इसको टेस्ट करता हूँ पहले कि है कैसा। बहुत अच्छा बना है, मैं तो ऐसा भाई बना नहीं पाया हूँ आज तक। ये जो सांभर है ना, और ये जो चटनी है, और ये जो डोसा है, बहुत बढ़िया बना है। मतलब मैं तो आज तक इतने बार मैंने ट्राई किया, मैंने आज तक नहीं बनाया, तो बहुत अच्छा बना है। वो ये मैं रोज़ वाटर बना रहा हूँ। अभी मैंने गुलाब की पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो तोड़ दी और पानी के अंदर डाल दिए। अब मम्मी ने कहा है इसको या तो सुबह पिए थोड़ा थोड़ा, और या तो दिन में पीते रहें। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और पेट से रिलेटेड आपकी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं या दूर हो जाती हैं। तो एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, शायद मेरा गोरिल्ला ट्राईपॉडी है ये। पहले सैनिटाइज कर लें इसको, उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आ गया हमारा गोरिल्ला ट्राईपॉड, इसको करते हैं अनबॉक्स। ये है गोरिल्ला ट्राईपॉड और ये जो मिला है ये है उसका रिमोट, ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है, देखते हैं। तो पापा ने दवाई मंगाई है ऑफिस में, तो हम लोग पापा को दवाई देने जा रहे हैं। तो ये है हमारी सेकेंड गाड़ी, लेकिन ये ऑफिस में खड़ी रहती है। तो हम लोग ने दे दी है दवा पापा को, अभी पहुंचाए हैं, तो अब चलते हैं घर। पप्पू स्टोर, पप्पू ये बर्गर पॉइंट है, यहाँ पे बर्गर खाता था मैं, बहुत मन कर रहा है अभी बर्गर खाने का। खा लें क्या भाई बर्गर? खा लो, मुझे क्या भाई, नहीं करोना चल रहा, नहीं खाना है बाहर का। तो दिव्यांग कह रहा है बहुत दिन बाद यहाँ से आ रहा है और वो भूल चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था,
12th क्लास। तो ये आ गया मेरा स्कूल रानी लक्ष्मीबाई सेक्टर 3, यहाँ पे मैं पढ़ता था पहले। अंकल लहरा रहे हैं अपनी साइकिल। तो हम लोग ने ले लिए है लस्सी, एक मेल ले, एक दिव्यम के लिए और एक ले लिया हम लोग ने मम्मी के लिए। तो जो लस्सी है वो मेरी बहुत फेवरेट है और समर्स के टाइम में तो मैं बहुत पीता हूँ लस्सी, तो ये मेरी फेवरेट है और मम्मी की भी फेवरेट है, हम दोनों की फेवरेट है। तो जनहित में जारी ये संदेश है, हमेशा याद रखिएगा ऐसे बाहर नहीं फेंकते हैं, इसको अपने पास रखिए, जब डस्टबिन मिले तब फेंकिए, समझे। ऐसे ही बाहर निकलो तो ये हमेशा रहता है कि भाई कुछ ना कुछ दिख ही जाता है खाने को, तो ले लेते हैं। यह इस गली में याद है हम लोग प्ले स्टेशन खेलने आते थे। वेलकम बैक टू होम। साहब चाय, साहब चाय, मैडम चाय, मैडम चाय। और कुछ खाने के लिए नहीं दोगे? दे रहा हूँ। ये सब छत में घूमते हुए कैसा लग रहा है अम्मी? मौसम क्या हो रहा है? उमस कहाँ है, अभी ठंडी हवा चलेगी। मम्मी क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। और बढ़िया क्या कर रही हो? चाय पी रहे हैं। और क्या कर रहे? चाय बना के लाए तो चाय पी रहे हैं। और वो क्या कर रही है? वो मोबाइल में सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? सुन रहे हैं जो हमारे मतलब का चीज है। कैसा रहा आज का दिन ये तो बता दो। बढ़िया रहा। डोसा बनाई आते हो तुम? बहुत बढ़िया डोसा बनाया। तो आज का दिन बढ़िया जाएगा। आज तुम तारीफ करोगे, कल थोड़ा नमक ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग डांटोगे तो क्या? फिर वहाँ पर मुंह फुला लेंगे, फिर दूसरे दिन तारीफ करेंगे तो वहाँ खुश हो जाएंगे, फिर दूसरे स्थिर रहना। यहाँ सब लोग भैया आज टीवी देख रहे हैं, सब लोग बैठ के वीकेंड वाइब्स। मम्मी किसका इंतजार कर रही है? इंडियन आइडल के पवन का। सब लोग इंडियन आइडल के पवन का इंतजार कर रहे हैं, अपना पहाड़ी लड़का। अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी मैं डिनर करके आ रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिएगा, और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी भाई दबा दिएगा, ताकि मेरी कोई नई वीडियो आती है, मेरा नया कोई ब्लॉग आता है तो आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, तब तक दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। क्या चटका रही हो? क्या चटका रही हो? नमकीन जो तू लाया वही चटका रही।